गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के सम को सॉल्व करेंगे। 5.2 के सम के सॉल्व है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, इसमें हमको दिया है माइनस का 4 प्लस 8। इंटीजर का यूजिंग करके हमको इसको ऐड करना है। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल है, इसे ऐड करना है। तो हमारे पास क्या है, प्लस का 8। तो स्टूडेंट इसका हमें क्या यूजिंग नंबर लाइन का यूज़ करके इसका एडिशन करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम जानते हैं नंबर लाइन्स हमारी कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होती है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड माइनस में आता है, माइनस 2, माइनस 3, माइनस का 4 लग जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस 8 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7 और प्लस का 8। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा नंबर लाइन में यूज़ हो गया। अब हम इसको इसमें डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट क्या है, प्लस का 8, तो प्लस का 8 हमारा यहाँ तक जाएगा। ओके स्टूडेंट, प्लस 8 यहाँ तक गया, तो इसमें माइनस 4, 4 डिजिट माइनस करना है, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या आंसर आएगा, प्लस का माइनस 4 प्लस 8 करेंगे तो हमारा आंसर होगा प्लस का 4। तो इसे नंबर लाइन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और आंसर हमारा प्लस का 4 आएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा माइनस का 5 और प्लस का 2। तो इसे नंबर लाइंस में रिप्रेजेंट सबसे पहले करेंगे तो 0, तो यहाँ से माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 5 तक। ओके, प्लस का है तो प्लस का 1 इस साइड, प्लस का 2 इस साइड, तो यहाँ पे माइनस 5, तो सबसे बड़ी डिजिट अपनी माइनस की इसमें से लेंगे। तो यहाँ माइनस 5 में से प्लस 2 माइनस कर देना है, तो 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, तो 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 3 बचेगा, 1, 2, 3। तो माइनस 5 में से प्लस 2 रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस का 3। तो इसी तरीके से नंबर लाइन से भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा माइनस का 486 प्लस का 692। तो इसका मैंने सिर्फ एडिशन करना है, सिंपल है, एडिशन करना है। तो ये हमारी माइनस की है और ये प्लस, तो बड़ी डिजिट प्लस की है तो माइनस करेंगे छोटी डिजिट। तो यहाँ पे सिंपल चाहे इस तरीके से करते, 692 ऐसे लिखिए, 486 जिस तरीके से अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी तरीके से, ये 12 हो जाएगा क्योंकि 2 से 6 जाएगा नहीं, ये कैरी देंगे 12, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 8, 8 में से 8 तो 0, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। बड़ी डिजिट हमारी प्लस का है तो आंसर आ जाएगा प्लस का 206। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन 2 का, प्लस का 558 प्लस माइनस का 296, इसको हमें एडिशन करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो प्लस का 558 प्लस इनटू माइनस, या माइनस इनटू हो रहा तो ये हो जाएगा माइनस का 296। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 2 बचेगा, 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो एक कैरी देंगे 15, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। बड़ी डिजिट हमारी प्लस की है तो आंसर प्लस में ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 262। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो स्टूडेंट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ओके स्टूडेंट, तो सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल, तो इसे ये होगा माइनस का 8 प्लस का 6 प्लस इनटू माइनस हो जाएगा माइनस 17, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस 2। ओके स्टूडेंट, तो सभी जानते हैं प्लस का अगर मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो आंसर अपना प्लस रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो आंसर प्लस रहेगा, अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो आंसर हमारा माइनस होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये मल्टीप्लाई होता है जब प्लस का सेम साइन का मल्टीप्लाई होगा तो सेम डिजिट आएगा। ओके, प्लस का होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस का होगा तो प्लस आएगा, अगर हमारा साइन डिफरेंस है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहीं पर हम ये करेंगे, तो इसमें क्या है, माइनस 8, माइनस 17 और माइनस की, तो माइनस माइनस डिजिट हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 27, माइनस 8 और माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 17, माइनस का 17 ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों के साइन।
तो माइनस और प्लस का हो जाएगा 6, तो -7, 27 में से प्लस 6 करेंगे। तो जब भी हमारा डिफरेंस साइन हो तो हमेशा घटाया जाएगा या डिफरेंस किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो माइनस का 27 प्लस का 6, तो इसमें से डिफरेंस करेंगे तो -6 में से आएगा 1 और ये आएगा 2। तो जो डिजिट हमारा साइन, जिस डिजिट बड़ी डिजिट होती है उसका साइन जो होगा वही लगाएं, तो माइनस की डिजिट बड़ी है तो साइन आएगा माइनस का 21। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो प्लस का 96 प्लस माइनस 5 बार प्लस माइनस का 81 बार प्लस का माइनस का 49। ओके स्टूडेंट, तो इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या कराएंगे, इसका बार ओपन कराएंगे तो प्लस माइनस 5 की वैल्यू होगी, इस घर से बाहर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी डिजिट बाहर से बाहर आए, कोई भी डिजिट माइनस की हो तो हमेशा प्लस ही ली जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें माइनस 81, तो ये प्लस का 81 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 49। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम प्लस वाली डिजिट को ऐड कर लेंगे, 5 6 और 5 11 और ये 12, 12 की 2 कैरी 1, तो वेरी 1 और ये हो जाएगा 10 और 15 और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 18 और ये 223। ओके स्टूडेंट, माइनस का 49। तो इसका स्टूडेंट एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12 की 2 कैरी 1 और ये आएगा 18 माइनस का 49। 49 से माइनस करेंगे, 12 में से जाएगा 3 बचेगा और यहाँ बचे 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3 और ये 1, तो आंसर आएगा 133। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमको इस एक्सरसाइज के सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट।